हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जिसे आप खुद घर पर 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने, काले और मोटे हो जाएंगे। साथ ही आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बालों का झड़ना, टूटना, बालों की ग्रोथ न होना, बालों में स्प्लिट एंड्स है, डैंड्रफ है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, गंजेपन की प्रॉब्लम है, आज की इस रेमेडी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म होने वाली है। रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है और इसको सभी उम्र के लोग यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपके बालों पर इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल सी रेमेडी को कैसे तैयार करना है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले प्याज लेने हैं। आपको यहाँ पर लाल रंग का प्याज लेना है क्योंकि जो लाल रंग का प्याज होता है वो हमारे बालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि बालों की क्वालिटी को बढ़ाती है, बालों के घनेपन को बढ़ाती है, साथ ही आपके बालों का झड़ना रोकती है, बालों में गंजेपन की प्रॉब्लम को खत्म करती है। तो सबसे पहले हमें प्याज का रस निकालना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको प्याज का जूस किस तरह से निकालना है। सबसे पहले प्याज के छिलके को अच्छे से निकाल करके अलग कर लीजिए। जब आपने प्याज को छील लिया है, अब हम प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। दोस्तों, प्याज में हाई अमाउंट में सल्फर होता है जिससे आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। अगर आपके बाल पतले हैं तो घने होते हैं, सर पर बाल ना होने की प्रॉब्लम है यानी गंजेपन की समस्या है तो वहां पर भी नए बाल उगने लगते हैं। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों का झड़ना रोकता है और आपकी ऑलमोस्ट सभी हेयर प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। तो आपको इस तरह से प्याज के पीसेस कर लेने हैं और उसको ग्राइंडर में डाल करके उसको पीस लेना है। पीसने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अब आपको एक छन्नी की मदद से या सूती कपड़े की मदद से इसका जूस निकाल लेना है। आपको 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पर प्याज का रस चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से निचोड़ करके इसका रस निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 चम्मच जूस लिया है। आपको इतना ही प्याज का रस लेना है। अब इसमें हम 2 चीजें और ऐड करेंगे जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगी, बालों के घनेपन को बढ़ाएंगी, बालों का झड़ना रोकेंगी, सफेद बालों की समस्या को खत्म करेंगी और साथ ही आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है सेब का रस। आपको 1 सेब लेना है और उसको आपने पीसेस में कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। और इसी तरह से जिस तरह से हमने प्याज का जूस निकाला है, आपको सेब का रस निकाल लेना है। जितना आपने प्याज का रस लिया है उसी आधी क्वांटिटी में आपको सेब का रस लेना है। यानी यहाँ पर मैंने 4 चम्मच प्याज का जूस लिया है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सेब का रस मिलाऊंगी। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है तो इसकी जगह पर आप सेब का रस निकाल करके उसको यूज कर सकते हैं। दोनों के इक्वल ही फायदे आपके बालों को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 चम्मच सेब का रस मिला दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें ऐड करना है वो है दही। तो दही आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि आपके स्कैल्प इन्फेक्शंस को खत्म करते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, आपकी हेयर स्कैल्प को क्लीन करते हैं, आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बालों की ड्राइनेस को खत्म करते हैं और साथ ही बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करते हैं, सफेद बालों की समस्या को खत्म करते हैं। दही आपके बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है जिससे बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, बालों की ग्रोथ ना होना, बालों का सफेद होना, ये सभी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती है। साथ ही ये बालों में बहुत अच्छी चमक लाता है, बालों को सिल्की, शाइनी और घना भी बनाता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। आप यकीन नहीं मानेंगे कि दही एक ऐसी नेचुरल चीज है जो कि अकेला ही आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जरूरी विटामिन्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बालों की हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो इन तीनों चीजों को हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है। दोस्तों, इस रेमेडी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। अगर कैस्टर ऑयल नहीं है आपके पास तो आप नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल भी इसमें मिला सकते हैं। जिन लोगों का हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, बालों में बेल्ट पैचेस हैं, तो वो कैस्टर ऑयल को ऐड करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरह से हमारी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है जो कि आपके बालों की सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल खत्म करने वाली है। तो इसको आपने किस तरह से अप्लाई
करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों जब भी आपको हेयर वॉश करना है आपको एक घंटा पहले इसको अच्छे से बालों में मसाज करना है, जैसे कि आप बालों में तेल की मसाज करते हैं। बालों की जड़ों में इसको अच्छे तरीके से लगाना है और इसकी अच्छे से उंगलियों की मदद से बालों में मसाज करनी है और पूरी हेयर लेंथ में आपको इसे अच्छे तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद में आपको इसे एक घंटे के लिए छोड़ देना है। एक घंटे के बाद में आप जिस तरह से बालों को धोते हैं उसी तरह से आपको हेयर वॉश कर लेना है। हफ्ते में कम से कम 3 बार आपको इसे जरूर लगाना है और जितनी बार भी आप हेयर वॉश करते हैं आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हर एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा, बालों को झड़ने से रोकेगा, स्प्लिट एंड्स और डैंड्रफ को खत्म करेगा, बैल्ड पैचेस को खत्म करेगा, बालों को घना भी बनाएगा। दोस्तों ये बहुत ही असरदार नुस्खा है, मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप जरूर बना करके ट्राई करें और मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।